फाइन थैंक यू, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। सर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं दमस्तम से आपकी? भाई दमस्तम से क्या मतलब, मैं तो समझता हूँ कि कोविड के बाद जब सिनेमा खुल गए हैं तो उम्मीद है बहुत ज़्यादा कि लोग आएंगे, और न सिर्फ दमस्तम बल्कि और भी जो फिल्में लग रही हैं उन सबको देखेंगे, तो उम्मीद तो है सबके लिए और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सबके लिए अच्छा ही होगा। कैसा लग रहा है कोविड के बाद फिर से सिनेमाज ओपन हो गए हैं, फिर से इवेंट्स हो रहे हैं, सो सर कैसा फील हो रहा है इस बारे में? बहुत अच्छा फील हो रहा है। उसकी वजह यह है कि जब हम दमस्तम को कंप्लीट किया था हमने तो आखिरी दो दिन की शूट रह गई और वो लॉकडाउन हो गया, तो वो जो हम फरवरी में उसको शूट कर रहे थे, फिर जब हमें मौका मिला कि दोबारा शूट शुरू करें तो अक्टूबर आ गया था। अच्छा, तो उस दौरान में तो ऐसा लगता था जैसे अब शायद ना खुल पाए कुछ भी, अब सब दुनिया चेंज हो गई, लेकिन इंसान देखें कि इंसान जो है वो लड़ता है और फिर संभलता है, गिरता है संभलता है, तो ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि हम ये जो लोग हैं दुनिया के उन्होंने बेड़ा उठाया और ये कोविड को से हम लड़ भिड़ के निकल आए, यहाँ तक आ गए, सिनेमा खुल गए हैं, और मुझे लगता है कि सिनेमा खुल गए हैं और सिनेमा अब लोग आना भी चाहते हैं, क्योंकि दो ढाई साल जो है वो आइसोलेशन में कई हद रह के उसके बाद अब जब सिनेमा खुले हैं तो बड़े उनका भी दिल चाह रहा होगा यकीन सिनेमाने का। तो हमने भी कुछ इस तरह की फिल्म बनाई है जिसमें आप आएंगे, हंसेंगे, खुश होंगे, और उसमें म्यूज़िक भी है, डांस भी है, एक मसाला फिल्म है और कमर्शियल फिल्म है, और जैसी फिल्में हम यहाँ देखना चाहते हैं वो आइए ज़रूर देखिए और फिर बताइए कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो भी बताइए और अगर बुरी लगी तो भी बताइए, क्योंकि फिर उसके बाद हमको अपना काम बेहतर करने का। सर मैंने सुनने में आया कि दमस्तम बहुत मुश्किल लोकेशन से भी शूट की गई है, तो कितनी डिफिकल्टी पेश आई थी? अपेरेंटली कोई सॉन्ग भी है जो मंगला से होते हुए एक रास्ता गुजरता है, राम फोर्ट पे जाके आप लोगों ने गाना शूट किया था, उसके बारे में अगर कुछ आप बताना चाहें। जी हाँ, वो एक गाना है जिसको हमने मेरा ख्याल है कि तीन सूबों में तो किया ही है, यानी हम बलूचिस्तान भी गए, सिंध में भी हमने किया और पंजाब में भी गए, और कश्मीर का जो मंगला जो हम वहाँ भी गए, और रामकोट का जो किला है उस किले पे हमने बहुत मज़े का एक शूट किया है जो कि आप एक गाने में देखेंगे, उसका पूरा खूबसूरत मंज़र, और उस मंज़र को फिल्माने के लिए हमको चार दिन हम वहाँ जाते रहे। तो वो कोई ऐसी जगह है कि जो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों की नज़रों से अभी तक गायब है, तो ये मैं समझता हूँ कि हार्डली कोई शूट हुई होगी वहाँ, क्योंकि उसको शूट करना इसलिए मुश्किल है कि वहाँ कोई 440 या 45 के करीब सीढ़ियाँ हैं जो कि बहुत बड़ी ऊंची सीढ़ियाँ हैं, उनको आप फलांगते हुए जब आप ऊपर पहुँचते हैं तो रामकोट का किला आता है, तो पूरे क्रू को वहाँ ले जाना और हैवी सामान को ऊपर पहुँचाना ये एक बड़ा मुश्किल टास्क था, लेकिन पूरी टीम ने बड़ा हौसला मंदी के साथ और ये काम कहा कि करेंगे, तो हर जो इंडिविजुअल जो हमारे क्रू में का मेंबर था, जो कास्ट मेंबर था, उन सब ने वो सामान जो है बांटा अपने और अपने साथ ऊपर भी ले गए और नीचे भी लाए, और ये चार दिन हम करते रहे, तो ये आपको वो जो खूबसूरत मंज़र हम आप फिल्मा सके वो आपको देख के खुशी होगी, तो वो जितनी मेहनत थी वो यकीनन वसूल हो गई हमारी जब हमने उनके शॉट्स देखे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी। थैंक यू सो मच।